पिछले कुछ 5 साल से एक शब्द का इंटरनेट में खूब इस्तेमाल हुआ है, नेपोटिज्म। और अमूमन दो ही ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इस शब्द को लेकर बवाल रहता है, राजनीति और बॉलीवुड। हालांकि डॉक्टर के बच्चे अक्सर डॉक्टर बनते हैं, वकीलों के बच्चे अक्सर वकील बनते हैं, लेकिन फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वकालत करने के लिए या डॉक्टरी करने के लिए आपको कुछ एग्जाम पास करने होते हैं, जबकि ना राजनीति के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है और ना ही बॉलीवुड के लिए। यहाँ पेच लड़ाकर एंट्री ली जा सकती है, अवार्ड खरीदे जा सकते हैं, लेकिन बाकी जगह तो अवार्ड हासिल करने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ती है, खासकर तब जब वो अवार्ड नोबेल प्राइज हो तो। नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप जुड़ चुके हैं डॉयचे वेले हिंदी के पॉडकास्ट वो कौन थी से, और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं उसकी, जो बनी नोबेल प्राइज हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला, वो जिसने एक बार नहीं दो बार नोबेल पुरस्कार हासिल किया, वो भी एक नहीं दो अलग अलग फील्ड्स में। आज की कहानी है उस महिला की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी प्रेरणा बनी कि उसके परिवार के 5 लोगों को नोबेल प्राइज का सम्मान हासिल हुआ। आज की कहानी है मैडम मैरी क्यूरी की। वो कौन थी? दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया साल 1901 में। मैरी क्यूरी को इससे नवाजा गया 1903 में। उस वक्त उनकी उम्र थी 36 साल, यानी अब आप हिसाब लगा लीजिए कि मैं आपको 2022 से कितना पीछे ले जाने वाली हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर ऑन करते हैं और पहुंच जाते हैं 1867 में। अब सिर्फ नॉस्टैल्जिक वाइब से काम नहीं चलेगा, यूरोप के मैप के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त बॉर्डर्स आज से काफ़ी अलग थे। तब साम्राज्य होते थे, एम्पायर्स, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर, और आज जिसे हम पोलैंड कहते हैं वो तब रशियन एम्पायर का हिस्सा था। तो 7 नवंबर 1867 को रूसी साम्राज्य वाले वॉर्सो में जन्म हुआ मारिया स्क्लोदोव्स्का का। घर वाले प्यार से उसे मान्या पुकारते थे। मान्या के 4 भाई-बहन थे, माता पिता दोनों स्कूल में टीचर थे और देशभक्त भी। पोलिश उनकी मातृभाषा थी और रूसी साम्राज्य से पोलैंड की आजादी का उनका सपना था, लेकिन रूसी अधिकारी उन पर और उनके जैसों पर खूब नजर रखते थे। स्कूल में पोलैंड के इतिहास या संस्कृति के बारे में कुछ भी पढ़ाना तो दूर, पोलिश भाषा बोलने पर भी पाबंदी थी। कोई बच्चा अगर पोलिश बोलता हुआ पकड़ा जाए तो पूरे परिवार को सजा हो जाती थी। ऐसे में मान्या के पिता को भी उनके विचारों की वजह से अपनी नौकरी खोनी पड़ी। 5 बच्चों को संभालना था, इसलिए मां ने पहले ही नौकरी छोड़ दी थी, तो अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। थोड़ा बहुत खर्च निकलता रहे, इसके लिए वो घर का एक हिस्सा किराए पर देने लगे, स्टूडेंट्स को पीजी की तरह। लेकिन वक्त जब बुरा चलता है तो सब कुछ खराब होने लगता है। इनमें से एक स्टूडेंट से सबसे बड़ी बहन को टाइफस मिल गया और 15 साल की उम्र में ही उसकी जान चली गई। इसी दौरान माँ को टीबी हो गया और कुछ 3 साल बाद वो भी चल बसी। परिवार में अब बचे पिता, मान्या, एक भाई जोसेफ और 2 बहनें हेलेना और ब्रोनिया। जिस वक्त माँ गुजरी, मान्या की उम्र 10 साल थी। बहन और माँ के जाने का उसे धक्का तो बहुत लगा, लेकिन उसने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया। वो खूब लगन से पढ़ती, हर बार क्लास में टॉप करती। घर पर पिता उसे क्लासिकल लिटरेचर भी पढ़ाकर सुनाते और फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स भी कराते। दरअसल रूसी अधिकारियों ने पोलिश सिलेबस में से लैब वर्क को हटा दिया था। मान्या के पिता मैथ्स और फिजिक्स के ही टीचर थे, तो जब लैब बंद हुई वो अपैरेटस अपने साथ घर ले आए। घर पर बच्चे खेल खेल में वो सब कर जाते जिसकी स्कूल में इजाजत ही नहीं थी। और सिर्फ मान्या ही नहीं, 4 भाई-बहन पढ़ाई लिखाई में एकदम अव्वल। स्कूल खत्म करने के बाद भाई को मिल गया वॉर्सो के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। जाना तो बहनें भी चाहती थी, लेकिन लड़कियों को वहां दाखिला मिलता ही नहीं था, तो एक बहन ब्रोनिया ने पेरिस के मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। दूसरी बहन हेलेना निकल पड़ी माँ की तरह टीचर बनने। ये आगे चलकर पोलैंड की जानी मानी एजुकेशनल एक्टिविस्ट बनी। और मान्या के साथ ये हुआ कि स्कूल खत्म होते होते
उसकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टरों को ठीक से समझ नहीं आया कि उसे हुआ क्या है। कहने लगे कि स्कूल के एग्जाम देकर बच्ची थक गई है, आराम की जरूरत है, थोड़ी हवा बदलेगी तो ठीक हो जाएगी। ये बात है 1883 की। तब तक डिप्रेशन और नर्वस ब्रेकडाउन जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन 15 साल की ये बच्ची डिप्रेशन से गुजर रही थी। पिता ने उसे एक साल के लिए अपनी कजिन्स के यहाँ गांव में भेज दिया। कहा जाओ, खूब मस्ती करो, खेलो कूदो, जो पसंद आता है वो करो, बस पढ़ाई की, करियर की टेंशन मत लो। यकीन मानिए, ये इस लड़की की जिंदगी का पहला और आखिरी साल था जब इसने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि इस साल के बाद से इसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाने वाली थी। सभी भाई बहनों में मान्या ब्रोनिया के सबसे करीब थी। यही वजह थी कि जब ब्रोनिया ने पेरिस में दाखिला लिया तो मान्या ने छोटी होने के बावजूद उसका पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया। मान्या बच्चों को ट्यूशन देकर पैसे कमाती, ज्यादा कमा सके इसलिए रईस परिवारों के घर ट्यूशन देने जाती। लेकिन सिर्फ ट्यूशन से मेडिकल कॉलेज का खर्च कहां निकलने वाला था, तो मान्या ने गवर्नेस की नौकरी कर ली। वर्षा से कुछ 150 किलोमीटर दूर एक रईस परिवार के घर में रहने लगी। वहां उनके बच्चों की देखभाल करती, उन्हें पढ़ाती, खाली वक्त में गरीबों के बच्चों को मुफ्त में भी पढ़ाती। मान्या ने बहन से वादा लिया था कि देखो, अभी तुम बिना फीस की, बिना खर्चे की चिंता किए पढ़ाई करो, जब डॉक्टर बन जाओगी तो मेरी पढ़ाई का खर्च तुम उठाना। लेकिन जब तक बहन की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक मान्या भी तो बिना पढ़ाई लिखाई के नहीं रह सकती थी ना। तो उसने दाखिला लिया फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी में। इसके सिर्फ नाम में यूनिवर्सिटी था, ये कोई यूनिवर्सिटी थी नहीं, ये एक अंडरग्राउंड ग्रुप था जो रूसी सरकार की नजरों से बचकर छिपकर एक दूसरे से मिलता था। इसमें पोलिश बच्चे होते थे और वो सब कुछ पढ़ते थे जो रूसी सरकार उन्हें पढ़ने से मना करती थी। वैसे परमिशन तो इस बात की भी नहीं थी कि गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाए, लेकिन वो करती थी, डरती नहीं थी। जिसके यहाँ काम करती थी उन्हीं की फैक्ट्री में केमिकल्स के एक जानकार से केमिस्ट्री पढ़ने लगी। वैसे परमिशन तो इसकी भी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई से इतना प्यार भी तो था। आखिरकार स्कूल से निकलने के 8 साल बाद मान्या यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एडमिशन लेने में कामयाब हुई। आज की डेट में स्कूल के बाद एक साल का ब्रेक ईयर लेना पड़ जाए तो स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है कि हमारे करियर का क्या होगा, जिंदगी तो बस जैसे खत्म, आगे अब कुछ बचा ही नहीं है। इन्होंने 8 साल का इंतजार किया। हालांकि उस जमाने के नियम कायदे अलग थे तो इन्हें सीधे मास्टर्स डिग्री में एडमिशन मिल गया था। और इन्हें ये बात समझ में आ रही थी कि असली जंग तो अब शुरू हुई है, क्योंकि एडमिशन मिल गया था लेकिन लैब वर्क तो कभी किया ही नहीं था। पापा घर पर थोड़ा बहुत फिजिक्स का करा देते थे, लेकिन केमिस्ट्री लैब का तो जरा भी एक्सपीरियंस नहीं था। इनका एक कजन था जो इंडस्ट्रियल म्यूजियम में काम करता था, तो इन्होंने इसके साथ जुगाड़ लगाकर म्यूजियम की लैब में ही रात को छिप छिप कर प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब पेरिस जाने से पहले इनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि वहां बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी। अब जा भले ही ये पेरिस रही थी, लेकिन बजट का भी तो ध्यान रखना था ना। तो टिकट इन्होंने कराई 4th क्लास की। इस डब्बे में बैठने के लिए सीट भी नहीं लगी होती थी, नीचे ना बैठना पड़े इसलिए अपने साथ फोल्डिंग चेयर लेकर गई। ये सर्दियों की शुरुआत का वक्त था, तो फोल्डिंग चेयर में बैठकर कंबल ओढ़कर किताबें पढ़ती हुई पेरिस पहुंची। और वहां रहने का भी जुगाड़ था, बहन जो पहले से वहां थी। लेकिन बहन इस बीच शादी कर चुकी थी और उनके घर लोगों का आना जाना बहुत था, तो मान्या को समझ में आया कि ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो यूनिवर्सिटी के पास ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पे लिया और वहां रहने लगी। मान्या को बस सर छिपाने के लिए छत चाहिए थी, कोई ऐशो आराम नहीं। सर्दियों में ये कमरा इतना ठंडा हो जाता था कि उसके पास जितने स्वेटर थे वो सब एक के ऊपर एक चढ़ा लेती। रात में नल में पानी भी जम जाता था। यहाँ रहना मुश्किल था, मदद के लिए कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मान्या को जिंदगी में पहली बार आजादी का एहसास हो रहा था। वो खुद को नए सिरे से जान पा रही थी, उसे इस नई जिंदगी में मजा आ रहा था। आपको याद है शुरू में मैंने बताया कि मान्या का असली नाम मारिया था। फ्रांस पहुंचकर ये मारिया से बन गई मारी, क्योंकि फ्रेंच प्रोनंसिएशन होती है मारी। भाई जैसा देश वैसा बेस, क्या फर्क पड़ता है मारिया हो या मारी, ऐसा इन्होंने सोचा।
और बाद में जब ये मशहूर हो गई तो अंग्रेजी में मारी का बन गया मैरी। लेकिन क्यूरी कहाँ से आया, उस पर भी अभी पहुँचते हैं। पेरिस पहुंचकर जब क्लासेस शुरू हुई तो मैरी को उनका डर सच होता हुआ दिखा। वो वाकई बाकी स्टूडेंट जितनी प्रिपेयर नहीं थी, ना मैथ्स में, ना साइंस में, ना फ्रेंच में, लेकिन डरती तो ये थी नहीं, तो बस पूरा दम लगा दिया। पढ़ाई की दीवानगी ऐसी कि कई बार तो खाना खाना भी भूल जाती थी, ऐसे में कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी। और जब रिजल्ट आया तो पता है क्या हुआ, मास्टर्स इन फिजिक्स में मैरी को मिली फर्स्ट रैंक। तो इन्होंने सोचा चलिए एक और मास्टर्स की जाए, इस बार मैथ्स में, और यहाँ फर्स्ट रैंक नहीं मिल पाई लेकिन सेकंड से काम चला लिया। मैरी की लगन को देखते हुए उन्हें आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दी गई। अब सिर्फ स्कॉलरशिप से मैरी क्या करती, रिसर्च करने के लिए लैब की ज़रूरत थी और वो खुद तो अपनी लैब सेटअप कर नहीं सकती थी, तो इधर उधर जान पहचान वालों से पूछना शुरू किया। किसी ने नाम बताया पियर क्यूरी का, बताया कि वो पेरिस के म्यूनिसिपल स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लैब चीफ है, तो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। तो मैरी ने उनसे मुलाकात की। उन्हें क्या पता था कि साहब नाम के ही लैब चीफ हैं, लेकिन अपनी रिसर्च करने के लिए उनके पास लैब खुद ही नहीं है, खुद ही सालों से अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पियर की उम्र तब 35 साल थी, वो मैरी से कुछ 8 साल बड़े थे। लेकिन पियर में मैरी को एक दोस्त मिला, एक ऐसा दोस्त जिससे वो साइंस की बातें भी कर पाती थी, पॉलिटिक्स की, जिंदगी की भी। दोनों एक जैसे थे, रिसर्च के लिए पागल। मैरी ने ठान लिया था कि मैं खुद भी पीएचडी पूरी करूंगी और पियर को भी कराऊंगी, तो जो इतने सालों में ना हो सका वो अब जाकर हो गया। पियर ने डॉक्टरेट पूरी की और मैरी को प्रपोज किया। वो भी बताया कैसे, उन्होंने पूछा क्या तुम मेरे साथ रिसर्च करते हुए पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी। मैरी के लिए फैसला आसान नहीं था, इसलिए नहीं कि वो रिसर्च नहीं करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें अपने दिल से पोलैंड का ख्याल निकाल देना था। पियर फ्रेंच थे, उनसे शादी करने का मतलब था अब हमेशा के लिए फ्रांस में, पेरिस में सेटल होना। पियर भी ये बात अच्छी तरह जानते थे। आपको उनका एक लव लेटर पढ़कर सुनाती हूँ। मैं हमारे सपनों में खोकर तुम्हारे साथ ये जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा सपना, इंसानियत के लिए हमारा सपना, साइंस के लिए हमारा सपना, इन सब सपनों में अगर कोई सपना वाजिब है तो वो है आखिरी वाला। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम दुनिया को, समाज को नहीं बदल सकते। हाँ, साइंस के पहलू से अगर देखोगी तो लगेगा कि कुछ तो कर पा रहे हैं, छोटा ही सही, लेकिन वो बदलाव हमारे हाथ में है। कमाल का रोमांस है ना, फुल ऑफ पैशन, पैशन फॉर साइंस। तो इस पैशनेट जोड़े ने शादी कर ली, एकदम सीधी शादी, क्योंकि पैसा इन्हें बचाना था लैब बनाने के लिए। शादी पर बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं था इनके पास, यहां तक कि मैरी ने शादी में जो गाउन पहना था, नीले रंग का, वो भी उसे वो लैब में इस्तेमाल करती थी केमिस्ट्री के अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। ना इन लोगों ने शादी की कोई अंगूठियां वगैरह एक दूसरे को पहनाई, बस दस्तखत किए, हो गई शादी, और मारिया स्क्लोदोवोस्का बन गई मैडम मैरी क्यूरी।